हेलो गाइस, तो आज के ब्लॉग की शुरुआत होने वाली है जहाँ से हमने भतराज के ब्लॉग को एंड किया था। जिन्होंने भतराज मंदिर वाला ब्लॉग नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक को चेक कर सकते हैं। तो आइए फिर सफर की शुरुआत करते हैं। तो गाइस, अभी हम आए हैं इस रोड से, ये भतराज वाली रोड से आए हैं हम, और अभी जाना है हमने ये जॉर्ज एवरेस्ट की पीक पर। रास्ता इसका यहाँ से है, तो कुछ देर में आपको मिलते हैं हम वहीं पर। और गाइस, यहाँ से फिर से हम पैदल ही जा रहे हैं ऊपर। ये लगातार तीसरी बार हो चुका है कि यहाँ जॉर्ज एवरेस्ट की तरफ हमको पैदल ही जाना पड़ रहा है। बहुत थक गए यहाँ पर, बहुत थक गए। और अभी भी यहाँ पे काम चल रहा है भाई, बहुत टाइम हो गया है। ये प्यार कैमरे के लिए है, असली में है। तो मैगी खा के अब चल दिया हम ऊपर की तरफ। हालात तो सबकी अभी ठीक हो चुकी है, अब खाना खाकर बूस्ट हो चुके हैं। चलो ठीक है, तो एनर्जी खत्म करते हैं। ओके चलिए फिर। कई सभी हम पहुंचे हैं यहाँ जॉर्ज एवरेस्ट पर। एक यहाँ का सेल्फी पॉइंट है, यहाँ पर सब आकर पिक्चर क्लिक करवाते हैं अपनी। लेकिन आज बहुत ही ज़्यादा फॉग हो रखा है यहाँ पर, यहाँ से हमको कुछ दिखाई नहीं दे रहा। देखिए पीछे नहीं तो यहाँ से देहरादून को बहुत अच्छा व्यू दिखाई देता है, लेकिन आज कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, बहुत ही ज़्यादा फॉग हो रखा है। तो कभी आप आएंगे तो रेनी सीजन में मत आइएगा, क्योंकि आपको कुछ दिखाई नहीं देगा। बहुत ही ज़्यादा फॉग है आज और व्यू कुछ दिख नहीं रहा है। व्यू छोड़िए, यहाँ का रास्ता भी नहीं दिख रहा है यहाँ पर। ये देखिए, चल दिए स्वर्ग की ओर। महाभारत में जिस रास्ते का जिक्र किया गया था वो यही रास्ता था, और फिर वक्त के साथ साथ इसका नाम जॉर्ज एवरेस्ट पड़ गया। जस्ट किडिंग। और गाइस ये देखिए जोंक। अब बरसात के मौसम में कभी आप जाते हैं तो देखिए, आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब आपके चिपक गिरी और सारा खून पी जाती है। तो इसको छुड़वाने का एक तरीका है, जिस एरिया में ये चिपका हुआ है वहाँ पे थोड़ा नमक डाल लीजिए, अपने आप अपनी ग्रिप छोड़ देती है वो। अभी मेरे पैर में भी चिपका हुआ था, हमने यही किया। चलो चलो चलो। तो वैसे अभी हम आधी रात पर पहुँच चुके हैं और चल रहे हैं आगे। रास्ता इतना विजिबल नहीं हो रहा है, विजिबिलिटी लेवल बहुत कम है आज, फॉग बहुत ज़्यादा हो रहा है, लेकिन फिर भी हम चल दिए हैं। अपने ब्लॉग में मैं आपको कई बार जॉर्ज एवरेस्ट पीक पर लेके जा चुका हूँ, लेकिन ऐसा पहली बार है कि इस तरीके के मौसम में हम ऊपर जा रहे हैं। कितना ऊपर जाना है? अभी आधे रास्ता हुआ है भाई, अभी आधे हुआ है क्या? क्योंकि आप शॉर्टकट से ना होके लॉन्ग कट से आ गए, तो थोड़ा और चलना पड़ेगा। भाई लोगों ने इतनी हिम्मत दिखाई कि इन्होंने लॉन्ग कट को भी शॉर्ट कट बना दिया। नजारे आंखों के रास्ते दिल में उतरे। सो गाइस, अभी ऑलमोस्ट हम पहुंच चुके हैं ऊपर, थोड़ा कोहरा हट चुका है अभी, तो अभी नीचे से भी आ रहे हैं और पहुंचने वाले हैं हम जॉर्ज एवरेस्ट के पीक पर। पहुंच गए वो। हालत खराब हो रखी है किसी किसी की। तो गाइस, पीक पे आने के बाद और वहां का व्यू ना दिखाया जाए तो यहाँ पे आना तो बेकार ही है, लेकिन फॉग के कारण आपको कुछ हम दिखा नहीं सकते। फिर भी मेरे पास पिछले व्लॉग के कुछ क्लिप्स हैं जो आपको मैं दिखा देता हूँ, चेक इट आउट। नजारे आंखों के रास्ते दिल में उतरे हैं।
और गाइस जो आपने टाइटल में पढ़ा है अगर वो चीज़ आपको व्लॉग में ना मिले तो आप इसको क्लिकबेट बोलोगे, तो इसीलिए जो टाइटल में है वो आपको हम करके दिखा देते हैं। बुलाते हैं हमारे अगले कंटेस्टेंट को। रोल म्यूजिक। सौ बार शुक्रिया, सौ बार शुक्रिया, हंड्रेड बार शुक्रिया, बिलियन बार शुक्रिया, तुम जैसे चूतियों का सहारा है दोस्तों, तुम जैसे चूतियों का सहारा है दोस्तों, ये दिल तुम्हारे प्यार का मरा है दोस्तों, ये दिल तुम्हारे प्यार का मरा है दोस्तों, एहसान मेरे दिल पे तुम्हारा है दोस्तों, एहसान मेरे दिल पे तुम्हारा है दोस्तों, ये दिल तुम्हारे प्यार का मरा है दोस्तों, तुम जैसे देवड़ों का सहारा है दोस्तों, तुम जैसे देवड़ों का सहारा है दोस्तों, ये दिल तुम्हारे प्यार का मारा है दोस्तों, ये दिल तुम्हारे प्यार का मारा है दोस्तों, तुम जैसे ठरकियों का सहारा है दोस्तों, ये दिल तुम्हारे प्यार का मारा है दोस्तों, ये दिल तुम्हारे प्यार का मारा है दोस्तों, एहसान मेरे दिल पे तुम्हारा है दोस्तों, एहसान मेरे दिल पे तुम्हारा है दोस्तों, क्या बात, क्या बात, क्या बात। आइए और इसे लेके जाइए तकदीर की टोपी को। तो गाइस अब टाइम है चोर जबरदस्त से निकल के लंबी दार माइंस बुझाने का, तो आइए फिर चलते हैं। नजारे आंखों के रास्ते दिल में उतरे गम ले गए, लेकिन गाइस दिन भर में पहले भद्राज मंदिर के दर्शन, फिर जॉर्ज अवेस्ट, और उसके बाद हमारे साथ क्या होने वाला था ये तो हमें भी नहीं मालूम था। अमिधार माइंस कई डेथ हुए तो ये जगह थोड़ी सी फॉरेस्ट हो गई, तो कभी कभी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज होती है। जाना है हमको वहाँ पर, जो एक्चुअल बिल्डिंग है वहाँ पे पहुँच चुके हैं। एक बिल्डिंग का रास्ता ये देखिए ऊपर जा रहा है, वो हिरन दिखाई दिया, उसका मतलब ये कि आगे पीछे गुलदार भी हो सकते हैं। अगर और देखिए ये रास्ता शायद कन्फ्यूजन हो गया है, कहाँ से आए थे, क्योंकि रास्ता है ही कन्फ्यूजन।